पेशेंट के लिए उसके मन को आने वाला डॉक्टर वही होता है जो सिर्फ उसका इलाज नहीं करता बल्कि उसके मुश्किल वक्त में उसको एक मेंटोर की तरह सहारा संभालता है। तो आप सोच रहे होंगे क्या ऐसा हो सकता है, क्या ये मुमकिन है? जी हाँ दोस्तों, ये मुमकिन है। जिसमें हम आपको हॉस्पिटल के अंदर लेकर जाएंगे, वहाँ का माहौल दिखाएंगे, वहाँ के डॉक्टर से मिलाएंगे, वहाँ के स्टाफ से मिलाएंगे, ताकि जब भी आपको उस हॉस्पिटल में विजिट करना हो तो आपको कुछ भी अटपटा ना लगे। तो आज हम सलाम करते हैं उन सभी डॉक्टर्स को जो एक पेशेंट का मुश्किल वक्त में सहारा बनते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको ऐसे ब्लॉग से इंट्रोड्यूस कराएंगे जिसमें हम एक डॉक्टर का पेशेंट के साथ भरोसे और सम्मान का रिश्ता मजबूत कराने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, ब्लॉग में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे ब्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हॉस्पिटल टूर ब्लॉग में। जब भी हम बीमार पड़ते हैं तब हमें अपना पर्सनल फैमिली डॉक्टर याद आता है, जिसको हम बोलते हैं मन को भाने वाला डॉक्टर। एक पेशेंट के लिए उसके मन को भाने वाला डॉक्टर वही होता है जो सिर्फ उसका इलाज नहीं करता बल्कि उसके मुश्किल वक्त में उसको एक मेंटोर की तरह सहारा संभालता है, सहारा देता है और उसकी बीमारी में दवाइयों के साथ में तसल्ली देकर उसके दिल को मजबूत बनाता है और जिंदगी के हालात में उसको आगे बढ़ने का मौका देता है। तो आज हम सलाम करते हैं उन सभी डॉक्टर्स को जो एक पेशेंट का मुश्किल वक्त में सहारा बनते हैं और उनके इलाज में सहयोग करते हैं। तो दोस्तों, हम अपने ब्लॉग के थ्रू आपको सभी डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स के रूप से रूबरू करवाएंगे और आपको लेकर चलेंगे हॉस्पिटल्स में उन डॉक्टर्स से आपको रिश्ता मजबूत बनाने के लिए जो आपके अपने डॉक्टर्स हैं और उन हॉस्पिटल से आपका परिचय कराएंगे जहाँ पर वो डॉक्टर्स आपको मिलते हैं, ताकि जब भी आप उस हॉस्पिटल में जाएं तो आपको उस हॉस्पिटल से एक कनेक्शन फील हो। तो आप सोच रहे होंगे क्या ऐसा हो सकता है, क्या ये मुमकिन है? जी हाँ दोस्तों, ये मुमकिन है। हम अपने इस ब्लॉग के थ्रू जिसमें हम आपको हॉस्पिटल के अंदर लेकर जाएंगे, वहाँ का माहौल दिखाएंगे, वहाँ के डॉक्टर्स से मिलाएंगे, वहाँ के स्टाफ से मिलाएंगे, ताकि जब भी आपको उस हॉस्पिटल में विजिट करना हो तो आपको कुछ भी अटपटा ना लगे और आपको उस हॉस्पिटल के बारे में सभी नॉलेज हो, आपको उस हॉस्पिटल में जाने में कोई हिचकिचाहट ना हो, आपको हॉस्पिटल में डॉक्टर्स बैठने वाले डॉक्टर्स के बारे में पता हो, आपको हॉस्पिटल्स द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली सेवाओं के बारे में पता हो। सोचो दोस्तों, अगर ऐसा मुमकिन हो तो एज अ पेशेंट लोगों को कितनी आसानी होगी उस हॉस्पिटल में विजिट करने में। और आपको अगर आपको पहले ही पता हो कि उस हॉस्पिटल में क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, तो आपको इमरजेंसी के टाइम पे बिना कोई वक्त गंवाए आपको आप अपने सुटेबल हॉस्पिटल पहुंच सकते हैं। जैसा कि हम देखते हैं, एक पेशेंट का इलाज करते वक्त डॉक्टर पूरी जिम्मेदारी निकालते हैं, उसके लिए वो बहुत मेहनत करते हैं, बिना किसी लीव के दिन रात हॉस्पिटल में सेवा में लगे रहते हैं, कई बार अपनी पर्सनल लाइफ में सर्वाइव करते हैं लेकिन सेवा और भाव नहीं छोड़ते। इसी तरह से दोस्तों, पेशेंट की भी जिम्मेदारी होती है सही समय पर अपने कंसल्टेंट डॉक्टर के पास पहुंचना और आपकी बीमारी का अपने डॉक्टर को प्रॉपर सहयोग करना। तो हम अपने ब्लॉग के माध्यम से एक पेशेंट को उसके मन के खाने वाले डॉक्टर के तक और हॉस्पिटल तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम हॉस्पिटल्स एंड डॉक्टर्स के बारे में सभी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये प्रयास, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। तो दोस्तों, जल्दी मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ में। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये डायलिसिस रूम में हम यहाँ पर देखिए डायलिसिस हो रही है, इस तरीके से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, ये वायरिंग इस तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं। तो सर, हमने सुना है यहाँ पे डॉक्टर निकिता त्रिहान गायनेकोलॉजिस्ट हैं, थोड़ा सा उनके बारे में बताइए। बहुत सुना है डॉक्टर के बारे में। मैडम से हमने यहाँ पे पूछा कि यहाँ पे क्या क्या ट्रीटमेंट्स मिल जाते हैं, मैम किस टाइप की सर्जरीज हो जाती हैं, यहाँ के ऑन ड्यूटी डॉक्टर से हम मिले। सर, क्या नाम है आपका? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हॉस्पिटल टूर व्लॉग्स। प्लीज हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, आज हम आए हैं सनराइज हॉस्पिटल शाहीनबाग में। सनराइज हॉस्पिटल शाहीनबाग में
जसोला से नोएडा की तरफ जाने वाले रास्ते पर जहाँ पे बहुत सारे शोरूम्स है वहाँ पर पड़ता है जी ब्लॉक में। आप पूरा एड्रेस हमारे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं लोकेशन के साथ में। तो आइए दिखाते हैं इस हॉस्पिटल में आपको कौन कौन सी डॉक्टर्स और कौन सी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल होते हैं। तो फ्रेंड्स ये है सनराइज हॉस्पिटल का रिसेप्शन एरिया, बहुत ही अट्रैक्टिव और पीसफुल। यहाँ पे रिसेप्शन स्टाफ बहुत ही कोऑपरेटिव है। सुना है यहाँ पे डॉक्टर निकिता त्रिहान गायनेकोलॉजिस्ट हैं, थोड़ा सा उनके बारे में बताइए। बहुत सुना है डॉक्टर के बारे में। निकिता त्रिहान का जो यूएसपी है वो सारी कीवो सर्जरीज करती है, जितनी भी कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लीट सर्जरी है वो करती है, उसको दैट्स कीवो सर्जरी। और यहाँ पे ओपन सर्जरीज होता ही नहीं। बस डॉक्टर निकिता के नाम पे वर्ल्ड रिकॉर्ड है लार्जेस्ट रिटर्स यानी फाइब्रॉइड निकालने का। लैब्स में क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल हैं? ब्लड टेस्ट वगैरह या एक्सरे वगैरह सारे ब्लड टेस्ट हम लोग करते हैं, हर प्रकार के ब्लड टेस्ट हम लोग करते हैं, एक्सरे करते हैं, ईसीजी करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, इकोकार्डियोग्राफी करते हैं सर। इवन मैंने सुना है यहाँ पे ये अल्ट्रासाउंड के लिए फीमेल डॉक्टर है अवेलेबल है। अल्ट्रासाउंड के लिए फीमेल डॉक्टर ही अवेलेबल है, बिकॉज नॉर्मली फीमेल्स आर मोर कंफर्टेबल देन मेल एक्चुअली, दैट्स व्हाई वी गेट द फीमेल रिजल्ट्स। राइट सर। हम लोग के यहाँ पे सर क्या है, थर्ड फ्लोर है जो कि पूरा फीमेल ओरिएंटेड फ्लोर है सर। वहाँ पे सारा स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, इवन हाउसकीपिंग स्टाफ, डॉक्टर सब फीमेल ही हैं सर। ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि जैसा हमें सर से पता चला, सनराइज हॉस्पिटल शाहीन बाग में थर्ड फ्लोर डेडिकेटेड है फीमेल्स के लिए। वहाँ सारा स्टाफ फीमेल है, सारे डॉक्टर्स फीमेल्स हैं और सभी फीमेल्स पेशेंट के लिए ट्रीटमेंट वहाँ पर अवेल कराया जाता है। तो जैसा कि ये एरिया शाहीन बाग एक मुस्लिम एरिया कहलाता है, तो मुस्लिम्स में फीमेल एक प्राइवेसी ज़्यादा पसंद करती हैं। लेंगे और यहाँ पर जो अल्ट्रासाउंड होते हैं वो भी लेडीज डॉक्टर ही करती हैं। तो जितने भी फीमेल पेशेंट जो लेडीज डॉक्टर से अल्ट्रासाउंड कराना चाहते हैं वो सब यहाँ पर विजिट कर सकते हैं और लेडी डॉक्टर से अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। यहाँ के ऑन ड्यूटी डॉक्टर से हम मिले। सर क्या नाम है आपका? डॉक्टर सरफराज अहमद। तो इन डॉक्टर से हम मिले जो यहाँ पे देख रेख करते हैं। सर किस तरीके के पेशेंट्स यहाँ पे आते हैं यूजुअली? ट्रॉमा के हमारे पीडियाट्रिक्स के बच्चे आते हैं, सर्जरी के पेशेंट आते हैं, गायनी के पेशेंट आते हैं, ओवरऑल सारे पेशेंट हमारे मेडिसिन के आते हैं। सभी तरह के इमरजेंसी के केसेस सारे आपके डिपार्टमेंट में आते हैं। राइट सर। तो सर यहाँ पर ऑल द टाइम आप ही लोग अवेलेबल होते हैं या कोई लेडी डॉक्टर्स भी अवेलेबल होती हैं? लेडी डॉक्टर जो तो ड्यूटी हमारी शिफ्टिंग में चेंज होती है, मॉर्निंग में कोई और आएगा, इवनिंग में कोई और आएगा, नाइट में कोई आएगा, कभी लेडी डॉक्टर नाइट में होंगी, कभी दिन में होंगी, रोटेशन चलता है। तो सर जिन डॉक्टर्स को यहाँ पर एडमिट होने की जरूरत पड़ती है तो इस टाइप की फैसिलिटीज आपके पास हैं कि वो यहाँ पे एडमिट हो सकते हैं या सिर्फ डे केयर फैसिलिटीज अवेलेबल कराते हैं? सारी फैसिलिटी हमारे यहाँ अवेलेबल है, रूम्स है, आईसीयू है, क्रिटिकल केयर है, सभी तरह की फैसिलिटी हमारे, डे केयर भी है, यहाँ हम लोग करते हैं जी, यहाँ दूसरे रात के मरीज का मैनेजमेंट भी करते हैं, बाद में डिस्चार्ज कर देते हैं, ऐसा भी है। ओके तो दोस्तों देखा जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि यहाँ पर हर तरीके की फैसिलिटी आपको मिलती है, डे केयर भी है और उसके अलावा एडमिट करने के लिए आपको आईसीयू भी हैं, जनरल वार्ड्स भी हैं, प्राइवेट वार्ड्स भी हैं। तो चलिए आपको हम लेकर चलते हैं इनके सभी फ्लोर्स पे और दिखाते हैं किस फ्लोर पे किस टाइप के रूम्स अवेलेबल हैं और किस टाइप की फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। ओके थैंक यू। दोस्तों हैं सनराइज हॉस्पिटल की फार्मेसी पर। तो ये सनराइज हॉस्पिटल की फार्मेसी है, आप इसका एक क्लोज व्यू देखिए। तो सर यहाँ मेडिकल स्टोर पे किस किस टाइप की दवाइयाँ मिल जाती हैं? ऑल मेडिसिंस मिल जाती हैं, भाई साहब हमें बता रहे हैं ऑल मेडिसिंस मिल जाती हैं, बच्चों की बड़ों की हर टाइप की दवाइयाँ मिल जाती हैं।
ठीक, अगर इमरजेंसी में किसी को आना हो दवाई लेने के लिए तो कितने बजे तक मेडिकल स्टोर आपका खुला रहता है? सर हमारा 24x7 खुला रहता है। तो प्रिस्क्रिप्शन लेकर आइए आप अपना साथ में, ताकि आपको जेन्युइन दवाइयाँ इजीली मिल सकें और इन लोगों को भी कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर प्रिस्क्रिप्शन लाएंगे आप तो आप कभी भी आ सकते हैं दिन में रात में। अगर आपको दवाई चाहिए, आप आसपास के इलाके में रहते हैं, आपको किसी भी टाइप की दवाई की दिक्कत है, रात में आपको दवाइयाँ चाहिए हैं, तो आप यहाँ आके दवाइयाँ ले सकते हैं। मैडम से हमने यहाँ पे पूछा कि यहाँ पे क्या क्या ट्रीटमेंट्स मिल जाते हैं। मैम किस टाइप की सर्जरीज हो जाती हैं? सर्जरी सर यहाँ पर गायनी की टोटल सर्जरी होती है, लैप्रोस्कोपी सर्जरी होती है, जनरल सर्जरी होती है, ओके, ऑर्थो सर्जरी होती है, स्पाइन सर्जरी होती है, न्यूरो सर्जरी होती है। ओके मैम, डिपार्टमेंट सर्जरी। तो मैम यहाँ पे जो डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं वो फुली एक्सपीरियंस होते हैं? ओके, और डे नाइट सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं 24/7? ठीक है मैम। तो जैसा कि मैडम से हमने पता करा, मैडम ने बताया कि यहाँ पे हर टाइप की सर्जरीज अवेलेबल हो जाती हैं। तो जिस भी लोग को किसी भी टाइप की सर्जरी की प्रॉब्लम्स हैं, करवानी है, यहाँ आइए, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे पेशेंट को ट्रीट किया जाता है और बहुत ही मुनासिब रेट्स पे वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा विजिट कीजिए, जिनको भी इस टाइप की प्रॉब्लम्स हो रहे हैं एक बार यहाँ ज़रूर आइए। थैंक यू। तो ये है सनराइज हॉस्पिटल का ओटी एरिया। जैसा कि हमें अभी डॉक्टर ने बताया कि यहाँ पर सभी मेजर सर्जरीज होती हैं और वर्ल्ड क्लास डॉक्टर्स यहाँ पे सर्जरीज के लिए अवेलेबल हैं। टेस्ट है, फीमेल वार्ड नर्सरी भी है यहाँ पे, बच्चों को और लेडीज़ के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट है। और ऑन ड्यूटी डॉक्टर से पता चला कि यहाँ पर सभी टाइप के फीमेल के से रिलेटेड। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं सनराइज हॉस्पिटल के ओटी एनआईसीयू आईसीयू एरिया में। चलो आपको अंदर से व्यू दिखाते हैं। तो दोस्तों आईसीयू विंग में एंटर करते ही पहले हमें चेंजिंग रूम मिलता है, उसके बाद में हमें ही आईसीयू एरिया मिलता है। आईसीयू में हम बहुत ही क्रिटिकल पेशेंट्स को रखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस टाइप के पेशेंट्स होते हैं। ये नर्सिंग स्टेशन है, क्या कौन सा एरिया है मैडम? ये आईसीयू है। ये आईसीयू है, इधर से जा सकते हैं हमें थोड़ा सा? ये आईसीयू एरिया है, यहाँ पे देखिए पेशेंट्स हैं, इनका इलाज चल रहा है। क्रिटिकल पेशेंट्स के लिए ये एरिया बना हुआ है, बहुत साफ सुथरा है और बहुत ही। तो अब हम आ चुके हैं सनराइज हॉस्पिटल के फर्स्ट फ्लोर पे। सनराइज हॉस्पिटल के फर्स्ट फ्लोर पे डायलिसिस रूम है। चलिए हम आपको दिखाते हैं डायलिसिस रूम। तो देखिए आप ये देख सकते हैं, डायलिसिस रूम है सनराइज हॉस्पिटल का। यहाँ पे हम आपको पेशेंट्स, तो दोस्तों ये डायलिसिस रूम में हम यहाँ पर देखिए डायलिसिस हो रही है, इस तरीके से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। ये वायरिंग इस तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं। बहुत फ्रेंडली यहाँ पे सारा स्टाफ बहुत फ्रेंडली है, हमें पूरा सपोर्ट कर रहे हैं और पेशेंट्स के साथ में भी बहुत फ्रेंडली हैं। हर एक परेशानी पेशेंट की बहुत आसानी से सुनते हैं और उसका पूरा उपचार करते हैं। यहाँ पे डायलिसिस की फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, जब भी आप आते हैं यहाँ पे आपको डायलिसिस के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। बहुत अच्छे तरीके से आपको डायलिसिस का सारा यहाँ पे इजीली ट्रीटमेंट हो सकता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए और हमारे वीडियोज़ को लाइक शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों आज हम आए हैं डॉक्टर खुशबू गुप्ता वुमेन केयर क्लिनिक पे, जो कि सरिता विहार के जे ब्लॉक में पड़ता है। आइए अंदर से इसकी लोकेशन देखते हैं और आपको समझाते हैं, और इसका मैप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में जाओ, मैप का लिंक देखो और यहाँ पर आ जाओ अगर आपको कोई भी वुमेन हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। तो दोस्तों मेरी वाइफ को प्रॉब्लम्स हैं, गायनी डॉक्टर नहीं मिल रही है, एक अच्छी गायनी डॉक्टर कहाँ मिलेगी, ये परेशानी सबको रहती है ना, किसको दिखाएं, एक अच्छी गायनी डॉक्टर चाहिए, है ना? आपको भी ये परेशानी रहती है ना, ये इस टाइप की परेशानी।
किसी को अपने बच्चों के लिए, किसी को अपने माँ के बहन के लिए, किसी को अपने बेटों के लिए, बच्ची के लिए, हर किसी को ये परेशानी रहती है। मुझे भी मेरी वाइफ के लिए परेशानी थी। तो आज हम आ गए हैं डॉक्टर खुशबू गुप्ता क्लिनिक पर और आपको मिलवाते हैं एक अच्छी गायनी डॉक्टर से और उनके बारे में आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन देते हैं। आइए आपको। खुशबू गुप्ता वुमेन केयर क्लिनिक के रिसेप्शन पे आइए मैम से मिलते हैं। मैम आपका क्या नाम है? मायसेल्फ सभा परवीन एंड आई ऑल मैनेज हियर रिसेप्शनर एंड नर्सिंग वर्क आल्सो। ओके मैम, मैडम की टाइमिंग क्या होती है? मैम की मॉर्निंग की टाइमिंग है 10 to 1 PM एंड एट इवनिंग शी 6 to 8 PM। तो दोस्तों हम आ चुके हैं डॉक्टर खुशबू गुप्ता मैम के पास में, आइए उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि यहाँ पे क्लिनिक पे किस टाइप की फैसिलिटीज और क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल रहती हैं। हेलो मैम। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। आपके क्लिनिक में क्या क्या फैसिलिटीज और सर्विसेज अवेलेबल हैं? आई एम डॉक्टर खुशबू। आई एम माय क्लिनिक नेम इज वुमेन्स केयर क्लिनिक एंड इन माय क्लिनिक बेसिक ओपीडी फैसिलिटी एंड द कंसल्टेशन फैसिलिटीज अवेलेबल, लैबोरेटरी फैसिलिटीज अवेलेबल and the basic OPD investigations, all the HPV screening, HPV vaccination and routine OPD consultation we do here. And we also have facility of the pharmacy to provide the all the basic medications which is required for the health of the woman is available in our clinic. Ma'am, yahan pe lab test wagera ki facilities bhi available hai? Yes, yes. All routine investigations, blood investigation, urine investigations and all the like pap smear examination, HPV screening, all facilities are available. Ma'am, deliveries or surgeries vagera kahan pe karte hain? My clinic is basically an OPD consultation clinic and I am attached to the many hospitals nearby and I take my patients to that hospital for the minor and the major procedures. Ma'am, aajkal jo gynae related ladies logo ko jo problem chal rahi hain, उसके लिए आप इस मौसम के हिसाब से क्या प्रिकॉशंस सजेस्ट करेंगे? अभी जो प्रॉब्लम आ रहा है नाउडेज, दैट इज फ्यू डेज बैक इट वाज लाइक डेंगू फीवर वाज वेरी हाई विद द प्रेगनेंसी पेशेंट्स एंड द नॉर्मल फीमेल पेशेंट्स एंड टाइफाइड आल्सो। एंड जो अभी आ रहा है फॉर द सीजन चेंज इट इज अ फ्लू एंड वायरल इन्फेक्शंस। तो आई आस्क पेशेंट्स टू गेट हाइड्रेटेड एंड थोड़ा सा सर्दी से बचिए एंड थोड़ा सा अपना हाइड्रेशन प्रॉपर मेंटेन कीजिए, मल्टीविटामिन बूस्टर्स वगैरह लीजिए और रेगुलर आप विजिट्स अपने जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, अगर आप ANC हैं, प्रेग्नेंट हैं तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास भी रेगुलर विजिट कीजिए अगर आपको कुछ भी सिम्टम्स फ्लू के या फीवर के या डेंगू के अभी लग रहे हैं। मैम, प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत सारी लेडीज़ का ये देखा जाता है कि वो दवाइयाँ खाने से बचती हैं, आप इस मैटर पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रेगनेंसी एक बहुत ही चैलेंजिंग और डिमांडिंग स्टेज होती है। जो हम नेचुरल खाना खा रहे हैं रूटीन में, जो फूड इंटेक कर रहे हैं, वो सिर्फ मदर के लिए सफिशिएंट होता है। इनफैक्ट मदर की भी डिमांड प्रेगनेंसी में डबल ट्रिपल हो जाती है। तो जब अगर नेचुरल हम न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, सिर्फ खाना खा रहे हैं, पेशेंट्स कह रहे हैं कि नहीं हम कैल्शियम ले लेते हैं, हम खाने में दूध पी लेते हैं, आयरन के लिए हम गुड़ खा रहे हैं, चुकंदर खा रहे हैं, दैट इज़ गुड, बट वो इतना सफिशिएंट नहीं है जो बच्चे की भी ग्रोथ करे और मदर को भी बिल्डअप करे। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि प्रेगनेंसी में जो आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, आयरन है, कैल्शियम है, मल्टीविटामिन, एंटीऑक्सीडेंट्स है, विटामिन डी है, प्रोटीन पाउडर है, ये आपको रूटीन में लेना चाहिए। ये आपको सिर्फ खाली बेबी की ग्रोथ को नहीं एनहेंस करता है बल्कि मदर को भी स्टेमिना देता है कि वो एंटीपार्टम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वाला पीरियड
ड्यूरिंग डिलीवरी पेरीपार्टम और पोस्टपार्टम डिलीवरी के बाद का भी जो 1-2 महीना है वो उसकी स्टेमिना को और उसके पावर को एनहेंस करता है। तो बहुत ज़रूरी होता है कि मदर की हेल्थ डिलीवरी के टाइम और डिलीवरी के बाद भी अच्छी हो ताकि बच्चे की केयर अच्छी कर सके। तो अगर मदर नहीं लेती हैं दवाइयाँ तो यही होता है, लास्ट में जाके एनीमिया डेवलप हो जाता है, वीकनेस रहती है, दर्द रहता है, आपको पेरीपार्टम या पोस्टपार्टम डिलीवरी के बाद वापस से खड़े होने में महीनों लग जाते हैं। तो आई विल सजेस्ट कि ऑल प्रेगनेंट वुमेन शुड टेक वेरी गुड केयर ऑफ देयर हेल्थ, अच्छा खाना खाना चाहिए, अच्छे उन लोगों को न्यूट्रिएंट्स लेने चाहिए, साथ में जो रेगुलर मेडिकेशंस हम प्रिस्क्राइब कर रहे हैं वो उनको टाइम टू टाइम लेनी चाहिए। ओके तो दोस्तों देखा आपने, हमने मैम से किस तरीके की बातें करी, कितने टॉपिक्स पर हमने डिस्कस किया और मेनली कि प्रेगनेंसी के टाइम पे सभी औरतों को दवाइयाँ प्रॉपर लेनी चाहिए। तो दोस्तों चलते हैं अब फार्मेसी की तरफ, आपको वहाँ का एक व्यू दिखाते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं डॉक्टर खुशबू गुप्ता क्लिनिक की फार्मेसी पे, आइए हैं मिलते हैं फार्मेसिस्ट मैम से। मैम आपका नाम? हेलो, माई सेल्फ प्रीति कौशिक। यहाँ पे सभी गायनी से रिलेटेड सभी मेडिसिन अवेलेबल है, मैं यहाँ पे 5-10% ऑल मेडिसिन पे सभी डिस्काउंट देती हूँ। डॉक्टर खुशबू गुप्ता वुमेन केयर क्लिनिक। हेलो, मैं खुशबू मैम को बहुत दिनों से जानती हूँ, जब उन्होंने स्टार्ट किया था तब मैं उनसे मिली थी और बहुत ही अच्छी डॉक्टर है वो। जब भी मुझे कोई भी परेशानी होती है मैं उन्हीं के पास आती हूँ। खुशबू मैम नेचर वाइज वैसे भी मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैं यहाँ पे 5 मंथ से आ रही हूँ प्रेगनेंसी चेकअप के लिए, डॉक्टर बहुत बेटर हैं और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो हमेशा ही यानी टाइम अवेलेबल रहती हैं। ठीक है, मैं डॉक्टर प्रीति गुप्ता से आती हूँ, ये बहुत अच्छी डॉक्टर हैं और मुझे बहुत फ़ायदा भी हुआ है। डॉक्टर खुशबू गुप्ता वुमेन केयर। मैं आई हूँ, मैं यहाँ पे रेगुलर दिखवाने आती हूँ, मुझे ना यहाँ मुझे पेट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, मैं यहाँ पे दिखवाने आती हूँ, मुझे यहाँ पे दिखवा के काफ़ी फायदा होता है मैम से। डॉक्टर खुशबू गुप्ता वुमेन केयर। हेयर इज द डॉक्टर खुशबू गुप्ता वुमेन केयर क्लिनिक। गुप्ता क्लिनिक वुमेन केयर क्लिनिक। ये दिखाइए, इस तरीके से लगाते हैं, नीडल लगाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आ चुके हैं विनायक हॉस्पिटल सेक्टर 27 नोएडा में, जो कि पड़ता है अट्टा मार्केट के बैक साइड में, नोएडा अंडरपास के बिल्कुल पास में, जहां से नोएडा अंडरपास खत्म हो रहा है बिल्कुल उसके बराबर में ही आप देखेंगे आपको विनायक हॉस्पिटल मिल जाएगा। तो आपको दिखाते हैं इस हॉस्पिटल के बारे में, बताते हैं, जानकारी देते हैं, दिखाते हैं क्या क्या फैसिलिटीज और यहाँ पे कौन कौन से डॉक्टर्स मिलेंगे। तो आइए चलते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं विनायक हॉस्पिटल के रिसेप्शन एरिया में। रिसेप्शन एरिया में बहुत ही स्पेस मिलेगा आपको, यहाँ पे वेट करने के लिए आपको प्रॉपर स्पेस मिलेगा। यहाँ पे रिसेप्शन काउंटर भी बना हुआ है और यहाँ रिसेप्शन से जुड़कर आपको मिलता है इमरजेंसी एरिया, आपको लेकर चलते हैं इमरजेंसी में। देखिए यहाँ पे हमेशा डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं और जो भी क्रिटिकल पेशेंट आते हैं वो पहले इमरजेंसी में आते हैं। यहाँ पे इमरजेंसी में प्रॉपर वेंटिलेशन वगैरह भी आपको मिल जाएगी और इमरजेंसी में प्राइवेसी के लिए आपको कर्टन्स वगैरह भी प्रॉपर मिल जाते हैं। तो जो भी पेशेंट इमरजेंसी में आते हैं उनको यहाँ पर सभी। तो दोस्तों ये है विनायक हॉस्पिटल का माइनर ओटी एरिया, यहाँ पर छोटे मोटे केसेस हैंडल किए जाते हैं, बाकी इनका ओटी एरिया ऊपर बना हुआ है, जो मेजर केसेस होते हैं वो ऊपर देखे जाते हैं। दोस्तों विनायक हॉस्पिटल के रिसेप्शन पर आ गए हैं हम, यहाँ पर पता करते हैं कौन कौन से डॉक्टर्स अवेलेबल हैं और ओपीडीज की टाइमिंग क्या होती है, पर्चा किस तरीके से बनता है। भाई साहब क्या नाम है आपका? ओपीडी का टाइमिंग क्या होता है? ओपीडी की 9-9, 9-9, 9-9। और यहाँ पे हर टाइप के डॉक्टर्स मिल जाते हैं?
टेस्ट हो जाते हैं सारे। दोस्तों विनायक हॉस्पिटल में ओपीडी बेसमेंट में लगती है और ओपीडी के टाइमिंग 9 AM to 9 PM है। विनायक हॉस्पिटल में आपको सभी कंसल्टेंट डॉक्टर्स, सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों आपको लेके चलते हैं बेसमेंट में जहाँ पे विनायक हॉस्पिटल की ओपीडीज लगती हैं। तो दोस्तों देखिए यह है विनायक हॉस्पिटल का ओपीडी एरिया, बहुत ही स्पेशियस स्पेस है। यहाँ पर सभी प्रकार के कंसल्टेंट डॉक्टर्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। एक अलग से ओपीडीज के लिए रिसेप्शन यहाँ दे रखा है, किसी भी टाइप की आपको हेल्प चाहिए तो आप रिसेप्शन एरिया में आके हेल्प ले सकते हो। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको बताते चलें कि विनायक हॉस्पिटल 104 बेडेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और NABH से अप्रूव्ड है। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं लैब एरिया में जो कि ओपीडी के बिल्कुल बराबर में है, बेसमेंट में। यहाँ पर आपको मिलेंगे सीटी स्कैन, एक्सरे, इको और अल्ट्रासाउंड। एरिया बहुत ही अच्छा बना हुआ है, वेटिंग के लिए बहुत प्रॉपर स्पेस है, यहाँ पर बहुत ही साफ सुथरा है। तो कोई भी टेस्ट के लिए आप यहाँ पर आते हैं तो भीड़ भड़का और परेशानी आपको नहीं देखनी पड़ेगी। विनायक हॉस्पिटल में सभी प्रकार के पैथ लैब टेस्ट, ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, इकोकार्डियोग्राफी, ECG, CT स्कैन, डायलिसिस, सभी प्रकार के टेस्ट अवेलेबल हैं। तो दोस्तों आपको लेकर चलते हैं अल्ट्रासाउंड रूम के अंदर, दिखाते हैं अल्ट्रासाउंड में कितनी साफ सफाई है, कितना स्पेशियस है। तो देखिए दोस्तों अल्ट्रासाउंड रूम एकदम साफ सुथरा है, ये मशीन लगी हुई है, इतना स्पेशियस है और आप यहाँ पर प्रॉपर प्राइवेसी में अपना अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। हम आ चुके हैं सिटी स्कैन रूम में, यहाँ आप देखिए सिटी स्कैन मुझे लगी हुई है, इसके बारे में हम और जानकारी लेते हैं। भैया कितनी पावर की मशीन है ये? 60 स्लाइस की है। किस टाइप के सिटी स्कैन हो जाते हैं, कलर में है, फ्रेम ऑल टाइप्स की, ऑल टाइप्स के स्कैन हो जाते हैं यहाँ पे। भैया ने जैसे हमें बताया ऑल टाइप्स के स्कैन हो जाते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे हर टाइप की फैसिलिटी इस हॉस्पिटल में आपको मिलेगी। दोस्तों अब हम आ चुके हैं विनायक हॉस्पिटल के डायलिसिस रूम में जो कि फर्स्ट फ्लोर पे है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सभी पेशेंट्स की डायलिसिस हो रही है। तो दोस्तों क्या आप जानते हैं डायलिसिस प्रोसेस क्या होता है, क्यों की होती है डायलिसिस? यहाँ हम इनसे भाई सबसे पूछते हैं। मैं आप ये किस टाइप की चीज़ें, देखिए ये इस तरीके की ट्यूब्स लगाते हैं डायलिसिस के लिए, ये ऐसी नीडल्स लगती हैं पेशेंट को, इतनी सफरिंग से गुजरना पड़ता है। ये मशीन क्या काम करती है भाई सर? बॉडी में जो वेस्ट होता है उसको बाहर निकालने का, बॉडी में जो भी टॉक्सिक और वेस्ट होता है उसको ये मशीन बाहर निकालती है। इस मशीन को आप देखिए किस तरीके से कनेक्ट फिल्टर लगा होता है, इसमें फिल्टर लगे होते हैं, फिल्टर के थ्रू बाहर निकलता है सारा बॉडी वेस्ट बाहर निकल जाता है। ठीक है भैया, थैंक यू। तो दोस्तों अभी हम है फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में जो कि विनायक हॉस्पिटल के फर्स्ट फ्लोर पर है। आइए आप यहाँ के डॉक्टर से जानते हैं कि फिजियोथेरेपी के क्या क्या ट्रीटमेंट्स यहाँ पर मिल जाते हैं। हेलो मैम। हेलो मैम, किस टाइप के पेशेंट अभी आपके पास यहाँ पर? हर तरीके के रहते हैं, जैसे जिनको मेनली हड्डियों की दिक्कत है या जिनको नसों की कोई दिक्कत है, ठीक है, हड्डियों में जैसे कंधा जाम है, घुटनों में आर्थराइटिस है, जोड़ों में आर्थराइटिस की दिक्कत है, कमर की दिक्कत है, डिस्क की प्रॉब्लम जिसको कहते हैं शियाटिका करके कहते हैं, एंकल में कोई मूच आ जाए या फिर आपका कोई हड्डी टूट जाए तो उसके बाद जोड़ जाम हो जाते हैं, बाकी कई बार न्यूरो की प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे कि ये पैरालिसिस, लकवा जो एक साइड का मार जाता है या मुँह पे एक साइड का लकवा मार जाता है, तो उस तरीके के पेशेंट्स को हम लोग डील करते हैं। मैम यहाँ पे एक्सीडेंट के बाद में रिकवरी के लिए भी पेशेंट आते हैं? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद वो ही जैसे पोस्ट फ्रैक्चर हो गए उसके कंडीशंस में आ रहे हैं या फिर अगर पेशेंट बेड रिडन रहे हैं तो धीरे धीरे अब वो अपने नॉर्मल लाइफस्टाइल में वापस आ रहे हैं, तो उस तरीके के पेशेंट्स को भी हम लोग वो करवाते हैं, मतलब एक्टिवेट करवाते हैं, उनके जनरल डेली लिविंग एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग्स के अंदर हम लोग उनको हेल्प करते हैं और इनकरेज करते हैं एक्सरसाइज के माध्यम से। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं विनायक हॉस्पिटल के ICU में जो कि थर्ड फ्लोर पर है।
तो आपको दिखाते हैं कितने क्रिटिकल पेशेंट्स आईसीयू में मिलते हैं। देखिए किस तरीके के क्रिटिकल पेशेंट्स यहाँ पर आईसीयू में होते हैं। अच्छी बात यह है दोस्तों कि विनायक हॉस्पिटल में सभी प्रकार के इक्विपमेंट्स आईसीयू में अवेलेबल हैं, जो कि पेशेंट्स के इलाज में हेल्प करते हैं और पेशेंट को जल्दी रिकवर होने में मदद करते हैं। क्रिटिकल पेशेंट्स के लिए आईसीयू में हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर्स देखने को मिलते हैं, जो कि पेशेंट का प्रॉपर ट्रीटमेंट का और ख्याल रखते हैं। देखिए आपको दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ पे पेशेंट्स का इलाज किया जा रहा है, डॉक्टर्स कितने आराम से डॉक्टर पेशेंट को देखते हैं और उनको रिकवर। दोस्तों विनायक हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में हम आ चुके हैं। यहाँ पर अभी पेशेंट से ट्रीटमेंट चल रहा है, आप देख सकते हैं कितना साफ सुथरा माहौल है। हर पेशेंट के लिए प्राइवेसी के ध्यान रखा गया है, बैठने के लिए हर चीज का अरेंजमेंट है, यहाँ पे सारी मशीनें इक्विपमेंट सब प्रॉपर लगे हुए हैं। ये बहुत ही साफ सुथरा और अच्छे तरीके से यहाँ पे ट्रीटमेंट हो रहा है। यहाँ पे देखिए अभी बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स के साथ में आप यहाँ पे अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। प्रॉपर शांति और क्लीनिंग, वेंटिलेशन, रोशनी बाहर की आपको मिल रही है अगर एक हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे पेशेंट को और सुकून के साथ ट्रीटमेंट लेने में आसानी हो जाती है। हाँ ले रहे हैं दोस्तों, आ चुके हैं विनायक हॉस्पिटल की फार्मेसी पे। आइए मिलते हैं भाई साहब से और जानते हैं यहाँ पे क्या क्या दवाइयाँ मिलती होती हैं। यहाँ सारी तरह की दवाइयाँ मिलती हैं, 24/7 हमारा चलता है। रात में कोई पेशेंट अगर दवाई लेना चाहते हैं तो? हाँ हाँ बिल्कुल मिलता है। मैंने देखा वहाँ से भी आपकी एंट्री है अगर विनायक हॉस्पिटल के बाहर से? नहीं, रात में वहाँ की एंट्री बंद होती है। रात में बाहर से एंट्री बंद होती है, आप अंदर आके ले सकते हैं विनायक हॉस्पिटल में। दिन में आपको दोनों तरफ से एंट्री मिलती है। आप विनायक हॉस्पिटल के बाहर से भी अगर दवाइयाँ परचेज करना चाहते हैं तो वहाँ से दूसरा गेट है फार्मेसी का, वहाँ से आके दवाइयाँ ले सकते हैं। सभी टाइप की दवाइयाँ मिल जाती हैं। क्या दवाइयों के लिए प्रिस्क्रिप्शन लाना जरूरी है? हाँ, कुछ दवाइयाँ हैं जैसे एंटीबायोटिक वगैरह, अक्सर प्रिस्क्रिप्शन उसके लिए जरूरी होता है। तो अगर आप प्रिस्क्रिप्शन लेकर आएंगे तो भाई साहब को आसानी होगी आपको दवाइयाँ देने के लिए, बेहतर आपको दवाइयाँ मिलेंगी। तो आपको जो भी दवाइयाँ चाहिए आप आके यहाँ पे ले सकते हैं। धन्यवाद। तो हम आए हैं डॉक्टर फुरकान अली सर के पास में, जो यहाँ पे DMS है। और सर से हम पूछते हैं कि यहाँ पे OPDs में कौन कौन डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं, टाइमिंग क्या है और इस हॉस्पिटल के बारे में और जानकारी जो सर से हमें मिलती है वो आपको बताते हैं। हेलो सर। हेलो, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर फुरकान हूँ, डिप्टी EMS हूँ विनायक हॉस्पिटल में। और मैं विनायक हॉस्पिटल के बारे में बता दूँ, यहाँ पर ये 104 बेडेड हॉस्पिटल है, NABH एक्रेडिटेड है। और यहाँ पर OPD में सारे कंसल्टेंट, सुपर स्पेशलिटी स्पेशलिस्ट सारे बैठते हैं। जैसे MD मेडिसिन में डॉक्टर सौरभ चौधरी है, डॉक्टर मनोज मेहरा ऑर्थोपेडिक सर्जन है, और डॉक्टर वर्मा AK वर्मा है सर्जन है। यूरोलॉजी में डॉक्टर विजय शर्मा है। आई में दूसरी जो और कंसल्टेंट आई वाले आते हैं, डॉक्टर SK सयाल हैं, स्किन में प्रोफेसर हैं वो ठीक। और ENT में डॉक्टर ये डॉक्टर विनाद बंसल बैठते हैं। मतलब हमें हर टाइप के डॉक्टर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, सारे सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर। मतलब न्यूरो है, न्यूरोलॉजी है, न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट है, यूरोलॉजी डिपार्टमेंट है, नेफ्रोलॉजी है, डायलिसिस है। डायलिसिस के अलावा आपको ये पूरा पल्मोनोलॉजिस्ट है, नॉन इन्वेसिव कार्डियोलॉजिस्ट है, यानी इको वगैरह ये सारा होता है, अल्ट्रासाउंड है, CT मशीन है, डायलिसिस यूनिट है, 20 बेड ICU NICU ये सारा है। ओके, किस फ्लोर पे है सर आपका ICU? ICU थर्ड फ्लोर पे है और NICU भी थर्ड फ्लोर पे है। ओके सर, आपके यहाँ पे प्राइवेट वार्ड पेशेंट के लिए? प्राइवेट वार्ड 4th floor और 5th floor पे है। ओके, यहाँ पर जनरल वार्ड में फीमेल और मेल वार्ड अलग 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 वार्ड अलग 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 वार्ड फीमेल। दोस्तों अलग अलग वार्ड्स में आप फीमेल के लिए अलग और मेल के लिए अलग ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो हमारी जो भी लेडीज बहनें माताएं ट्रीटमेंट करवाना चाहती हैं वो बिल्कुल प्राइवेसी के साथ में आपको यहाँ पर ट्रीटमेंट मिल जाएगा। हम आपको लेकर भी चलेंगे वार्ड में और आपको दिखाएंगे कि क्या क्या फैसिलिटीज वार्ड में अवेलेबल हैं। तो सर जो टेस्ट होते हैं यहाँ पे वो सब ग्राउंड फ्लोर पे हैं या बेसमेंट पे हैं? कौन सा? नहीं, टेस्ट जो सिटी है, सिटी तो नीचे ग्राउंड उसमें बेसमेंट में है। लैब जो है हमारा पूरा पैथोलॉजिस्ट और माइक्रोबायोलॉजिस्ट और सारे दो पैथोलॉजी बैठते हैं, डॉक्टर मार्किन हैं, डॉक्टर गर्ग हैं और डॉक्टर एक बायोकेमिस्ट्री के लिए एक दूसरे डॉक्टर और पैथोलॉजिस्ट आते हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट आते हैं। वो ग्राउंड फ्लोर पे है। ठीक है जी।
तो सर पेशेंट को एडमिट होने के लिए जब यहाँ पे जरूरत पड़ती है तो आपके पास में एम्बुलेंस है पेशेंट को ट्रांसपोर्टेशन के लिए? एम्बुलेंस अवेलेबल है, एम्बुलेंस की फैसिलिटीज भी अवेलेबल है यहाँ पे। और सर यहाँ पर पेशेंट के साथ में जो लोग रहते हैं उनके लिए कैंटीन वगैरह की फैसिलिटी? कैंटीन एक ग्राउंड फ्लोर पर कैंटीन है और एक सिक्स फ्लोर पर कैंटीन है। तो दो कैंटीन यहाँ पे अवेलेबल है, ग्राउंड फ्लोर पे, सिक्स फ्लोर पे। तो पेशेंट के साथ में जो रिलेटिव्स आते हैं अगर उनको भी कोई परेशानी नहीं होगी? अभी जो सीजन चेंज हो रहा है इसमें आप सीजन फूड्स को आप अपनी डाइट में शामिल कीजिए, स्पेशली जितने भी फिल्टर फूड्स हैं, जैसे फिल्टर शुगर है, फिल्टर सॉल्ट है, फिल्टर चीजें जैसे मैदे से बनी हुई चीजें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हॉस्पिटल टूर ब्लॉग। आज हम आ चुके हैं अपने न्यू ब्लॉग के लिए। ये काले खां से, सराय काले खां से जो महारानीबाग की तरफ रोड आता है, न्यू फ्लाईओवर बना है, हम उस तरफ है। यहाँ से हम आश्रम की तरफ जाते हैं। यहाँ एक गेट लगा है, सनराइज हॉस्पिटल। आप इस गेट से एंट्री करते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल विच इज कॉल्ड सनराइज हॉस्पिटल। बहुत पास है मेन रोड से, यहाँ पर आपको पार्किंग के लिए भी काफ़ी स्पेस मिल जाएगा। और ये हमारा हॉस्पिटल है सनराइज हॉस्पिटल, यहाँ पर अपना अगला ब्लॉग शूट करने वाले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हॉस्पिटल टूर ब्लॉग। प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए। आज हम आ चुके हैं सनराइज हॉस्पिटल कालिंदी कॉलोनी, जो कि पड़ता है महारानीबाग से बहुत पास में कालिंदी कॉलोनी में। आइए हम अंदर लेके चलते हैं और दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो दोस्तों ये है सनराइज हॉस्पिटल का रिसेप्शन एरिया कम वेटिंग एरिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पेशेंट्स के और रिलेटिव्स के बैठने के लिए जगह है, यहाँ पर सारे लोग वेट कर सकते हैं और साथ में रिसेप्शन भी है। कोई भी डॉक्टर्स के लिए आपको कॉल होगी तो वो यहीं पे आपको मिल जाएगा। जानते हैं सनराइज हॉस्पिटल में ओपीडीज की टाइमिंग क्या होती है और अपॉइंटमेंट किस तरह से मिलते हैं। तो आप मिलते हैं भैया से। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम उमेश है। उमेश जी सर, सर आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पे ओपीडीज की टाइमिंग क्या होती है? सर हमारे यहाँ टाइमिंग ओपीडीज के होते हैं 9 से 5 के बीच में होते हैं। ओके। और हम वॉक इन या टेलीफोनिक दोनों तरीके से हम पेशेंट को अपॉइंटमेंट देते हैं ओपीडी कर सकते हैं हमारे सनराइज हॉस्पिटल के लैंडलाइन फोन नंबर पे, जिसका नंबर है 4882 4 टाइम 0। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मिलते हैं सनराइज हॉस्पिटल की फार्मेसी से। ये फार्मेसी एरिया है सनराइज डॉक्टर का। कोई अल्ट्रासाउंड के लिए वेट तो नहीं कर रहा? ये हमारे फार्मेसिस्ट हैं। भैया आपका नाम बताइए। मेरा नाम गोविंदर है सर, हमारे चीज सर हमारे पास मोस्टली गायने से रिलेटेड मेडिसिन है और बच्चों से रिलेटेड, हार्मोन्स रिलेटेड। ओके सर, आपकी टाइमिंग क्या है आपकी फार्मेसी की? कब से कब तक? फार्मेसी टाइमिंग है 8 से 8 तक। अगर रात में किसी को दवाई लेनी हो तो आपकी नर्सेज अवेलेबल रहती हैं, वो करवा देती हैं। ओके सर, थैंक यू। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं सनराइज हॉस्पिटल का अल्ट्रासाउंड रूम। तो दोस्तों ये सनराइज हॉस्पिटल का अल्ट्रासाउंड रूम है, बहुत साफ सुथरा और प्रॉपर मशीन इक्विपमेंट्स के साथ में। ये देख सकते हैं प्रॉपर इक्विपमेंट्स के साथ में यहाँ पे बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट कैसे दिया जाता है। और यहाँ पे आपको फीमेल अल्ट्रासाउंड कराने के लिए भी डॉक्टर्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्रम में, हम आपको दिखाते हैं पीडियाट्रिक्स रूम। ये पीडियाट्रिक्स रूम है, यहाँ पर बच्चों के लिए आप आ सकते हैं। यहाँ पे बच्चों की डॉक्टर अवेलेबल होती हैं। इस रूम में आपको किसी भी टाइप के बच्चों को परेशानी है, बीमारी है, वो आप यहाँ पर आकर दिखा सकते हैं। ये सनराइज हॉस्पिटल का पीडियाट्रिक रूम है। तो दोस्तों ये है गायनी रूम, यहाँ पे गायनी डॉक्टर बैठती हैं। और ये है मेमोग्राफी रूम,
आप देखिए यहाँ पे ये मशीनें लगी हुई हैं, इसे मेमोग्राफी होती है। तो अगर आपको इस टाइप के कोई भी टेस्ट कराने हैं तो आप सनराइज हॉस्पिटल में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो सनराइज हॉस्पिटल में आप अभी हम खड़े हैं एक्सरे रूम में। ये एक्सरे रूम है, एक्सरे के इक्विपमेंट्स हैं, एक्सरे की फिल्म क्लीन करने के लिए मशीन्स हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सरे की फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं। तो जिस किसी को भी एक्सरे कराना हो वो यहाँ कॉन्टेक्ट कर सकता है। हम आ चुके हैं डाइटिशियन मैम के पास में। मैम आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। ऑफ कोर्स, माय नेम इज डाइटिशियन दीपक एंड आई एम वर्किंग फ्रॉम अ सनराइज हॉस्पिटल कालिंदी कॉलोनी। आजकल की लाइफ में लोगों को हेल्थ इश्यूज खाने की वजह से बहुत सारे चल रहे हैं। बिल्कुल, आप क्या सजेस्ट करती हैं लोगों को, कुछ टिप्स देना चाहेंगी? अभी जो सीजन चेंज हो रहा है इसमें आप सीजनल फूड्स को आप अपने डाइट में शामिल कीजिए। स्पेशली जितने भी फिल्टर फूड्स हैं, जैसे फिल्टर शुगर, फिल्टर सॉल्ट, फिल्टर चीजें जैसे मैदे से बनी हुई चीजें, भटूरे, छोले, ये सब कम लें। ज्यादा ऑयली चीजें बिल्कुल भी ना खाएं क्योंकि वो इनडाइजेशन क्रिएट करता है। आपके स्टमक को अभी रिलैक्स चाहिए होता है। इस टाइम पे जहाँ सीजन चेंज हो रहा है हमारे गट बैक्टीरिया को प्रमोट करने की जरूरत है। यू टेक अ प्रोबायोटिक्स स्पेशली। ओके मैम, थैंक यू मैम। दोस्तों मिलते हैं सनराइज हॉस्पिटल के लैब टेक्नीशियन से। हम अभी खड़े हैं सनराइज हॉस्पिटल की लैब में। हाय, क्या नाम है? मैं अमित कुमार। कैसे आप? अमित कुमार, मैं यहाँ पे लैब टेक्नीशियन हूँ और यहाँ पे हमारे ब्लड सैंपल वगैरह यहाँ पे कलेक्शन वगैरह हम कर लेते हैं और इन हाउस में हम सी बी सी, एल एफ टी, के एफ टी, एच आई वी, एच पी सी, एस सी वी ब्लड ग्रुप वगैरह कर लेते हैं। अमित जी, जो भी टेस्ट आपको करते हैं उसकी रिपोर्ट्स कब तक मिल जाती है? रिपोर्ट देखिए, इन हाउस में हम सी बी सी वगैरह मतलब एक घंटे में दे देते हैं और एच आई वी, एच पी सी, एस सी वी मतलब सर्जरी वाले जो टेस्ट होते हैं हम मतलब विद इन वन आवर्स दे देते हैं। ओके, लाइक एच आई वी, एच पी सी, एस सी वी, पी टी एन आर, सी बी सी, ब्लड ग्रुप, शुगर वगैरह। ओके, बहुत जल्दी आप दे देते हैं, तो बहुत अच्छी फैसिलिटी आपके हॉस्पिटल में मिल रही है। थैंक यू बताने के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए धन्यवाद। दोस्तों चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पर, दिखाते हैं ऊपर क्या क्या है। तो दोस्तों एक पेशेंट जब हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो उसको सबसे बड़ी परेशानी होती है एक अच्छा कमरा मिल जाए, मुझे फैसिलिटीज मिल जाए। क्या फैसिलिटीज हॉस्पिटल मुझे दे रहा है? तो सनराइज हॉस्पिटल के पेशेंट रूम में हम आपको दिखाते हैं क्या फैसिलिटीज मिलती है। तो दोस्तों देखिए, ये है सनराइज हॉस्पिटल के प्राइवेट रूम्स। यहाँ पर आपको एक अच्छा इंटीरियर देखने को मिलेगा। यहाँ पे सोफा मिलेगा, यहाँ पे आपको पेशेंट के रिलेटिव्स के लिए बहुत अच्छा स्पेस मिलता है। सनराइज हॉस्पिटल में आपको मिलेगा एमआरडी रूम, सनराइज हॉस्पिटल में आपको आईसीयूज मिलेंगे और सनराइज हॉस्पिटल में आपको एनआईसीयू भी मिलेंगे, ताकि आपको हर टाइप की फैसिलिटी, हर टाइप के ट्रीटमेंट एक ही जगह पर मिल सकें। वो है सनराइज हॉस्पिटल। सेकंड फ्लोर पे आ गए हैं हम। यहाँ हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं सनराइज हॉस्पिटल आपको आईवीएफ फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कराता है। आपको अगर इस टाइप के कोई भी ट्रीटमेंट्स चाहिए, आईवीएफ से रिलेटेड कोई भी ट्रीटमेंट चाहिए, तो आप सनराइज हॉस्पिटल आ सकते हैं। यहाँ पे एलडीआर रूम भी अवेलेबल है जहाँ पे आप डिलीवरीज कराते हैं और डिलीवरीज के बाद रिकवरी के लिए हम यहाँ पर एक स्पेशल रूम आपके लिए अवेलेबल है। तो दोस्तों आ गए हैं अलशिफा हॉस्पिटल में। अलशिफा हॉस्पिटल का एड्रेस और उसकी लोकेशन आपको लिंक के साथ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अलशिफा हॉस्पिटल में हम आपको हॉस्पिटल का टूर कराएंगे, डॉक्टर से मिलवाएंगे और पेशेंट के रिव्यूज दिखाएंगे और बताएंगे आपको कि यहाँ पर क्या क्या सर्विसेज और फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
तो दोस्तों अलशिफा हॉस्पिटल फुल्ली इक्विप्ड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। यहाँ पर सभी प्रकार के कंसल्टेंट डॉक्टर्स मिलते हैं। यहाँ पे इको, ईसीजी, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, सभी प्रकार के लैब टेस्ट और पैथोलॉजी टेस्ट अवेलेबल हैं। आइए अलशिफा हॉस्पिटल का आपको रिसेप्शन दिखाते हैं। यहाँ पर आकर आप पर्चा बनवा सकते हैं और जो भी आपको दिखाना है जिस डॉक्टर को उसको दिखा सकते हैं। अलशिफा हॉस्पिटल का रिसेप्शन एरिया बहुत स्पेशियस है। यहाँ पर प्रॉपर बैठने के लिए, पर्चा बनवाने के लिए प्रॉपर जगह है। अगर आप किसी मेडिकल क्लेम के थ्रू अपना इलाज कराना चाहते हैं तो यहाँ पर TPA डेस्क भी है, आप उसके थ्रू अपना इलाज करा सकते हैं। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अलशिफा हॉस्पिटल के OPD एरिया में। यहाँ पे सभी प्रकार के कंसल्टेंट डॉक्टर्स होते हैं। सभी के अलग अलग रूम्स बने हुए हैं, आपको OPD में दिखाने के लिए बैठने की सुविधा भी मिल जाती है। आइए हम यहाँ पर एक डॉक्टर डॉक्टर फराजुल इस्लाम से मिले, उनसे बात करते हैं। दोस्तों जैसे हमने अपने ब्लॉग की शुरुआत में एक वीडियो बनाई थी और उसमें हम कह रहे थे कि ढूंढते हैं मेरा वाला डॉक्टर, मन को भाने वाला डॉक्टर, तो आज हम ऐसे एक डॉक्टर के पास में आए हैं जिनको लोग यहाँ पे कहते हैं कि मेरा वाला डॉक्टर, मन को भाने वाला डॉक्टर। तो आइए डॉक्टर साहब से मिलते हैं। मैं डॉक्टर फराजुल इस्लाम, कंसल्टेंट मेडिसिन डिपार्टमेंट, अलशिफा हॉस्पिटल। सर अलशिफा हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट्स क्या क्या अवेलेबल हैं और क्या अलशिफा हॉस्पिटल में मेडिकल जो लोगों के पास में मेडिक्लेम होता है उसके थ्रू भी यहाँ पे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल? जी ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, क्योंकि अलशिफा हॉस्पिटल यहाँ पे जो खिदमत अंजाम दे रहा है पिछले करीब 11-12 साल से, उसके बारे में बहुत लोगों को नहीं मालूम है, बहुत लोगों की वाकिफ नहीं है। अलशिफा के अंदर एक बुनियादी सारी सुविधाएं, सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, जैसे कि डायलिसिस यूनिट है, ऑपरेशन थिएटर है, फुल फ्लेज मेडिसिन डिपार्टमेंट, गायनी डिपार्टमेंट, सर्जरी डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट फुल फ्लेज काम कर रहे हैं। हर तरह की बुनियादी सुविधा जिसके लिए जरूरत एक फर्स्ट एड के लिए या एक। तो दोस्तों मिलते हैं डॉक्टर साहब के पेशेंट से और उनके बारे में जानते हैं कि उनके कैसे रिव्यूज हैं और वो डॉक्टर के बारे में क्या कहना चाहते हैं। मेरा नाम आफरीन हाशमी है, मैं अलशिफा हॉस्पिटल में डॉक्टर फराजुल इस्लाम के पास चेकअप के लिए आती हूँ। दे आर रियली अ गुड डॉक्टर एंड इनकी ट्रीटमेंट बहुत अच्छी होती है, इससे काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलते हैं और दे आर रियली नाइस। कितनी रेटिंग देना चाहेंगे सर के लिए आउट ऑफ 10? आउट ऑफ 10 इट विल बी 10 आउट ऑफ 10। थैंक यू। क्या नाम है आपका? किस बीमारी के लिए आ रही हैं आप यहाँ पे? पेट दर्द की बीमारी के लिए। डॉक्टर साहब का नाम क्या है? फराजुल इस्लाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? जी अच्छे हैं। कितना आराम हुआ है आपको इनकी दवाई से? हमेशा फर्क हुआ है जब भी दवाई ली है। अच्छा, नेचर वाइज कैसे हैं डॉक्टर साहब? जी बहुत अच्छा अखलाक है उनका, प्यार से बात करते हैं, अच्छे तरीके से बात करते हैं। इस हॉस्पिटल के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जी जी बोलिए जी। अलशिफा हॉस्पिटल में टाइम से इलाज होता है, फराजुल इस्लाम बहुत अच्छा इलाज करते हैं और सब दवाई भी अच्छी देते हैं। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अलशिफा हॉस्पिटल के फार्मेसी एरिया में। आप यहां पर अपनी सभी दवाइयों के लिए आ सकते हैं। आइए फार्मेसिस्ट से बात करते हैं और जानते हैं किस किस प्रकार की दवाइयां यहां पे अवेलेबल हैं। अलशिफा हॉस्पिटल की फार्मेसी में आ चुके हैं, बात करते हैं सर से। सर अलशिफा हॉस्पिटल की फार्मेसी की टाइमिंग्स क्या हैं? टाइमिंग सर मेरे यहाँ पर 3 शिफ्ट चलती हैं, एक 8 से 4, 2 से 8 और 12 से 8, और एक नाइट शिफ्ट चलती है 8 से 8। मतलब 24/7 यहाँ पे दवाइयाँ अवेलेबल हैं। अगर कोई बाहर से यहाँ दवाइयाँ लेने आता है तो उसके लिए भी दवाइयाँ यहाँ पे मिल जाती हैं? बिल्कुल। प्रिस्क्रिप्शन लाना जरूरी? प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड है सर। और सर यहाँ पे सभी प्रकार की दवाइयाँ मिल जाती हैं, कुछ स्पेसिफिक दवाइयों के लिए ही ये फार्मेसी है? नहीं सभी तरह, जैसे शेड्यूल H1 की हो गई, नारकोटिक्स हो गई, वो हम आउटसाइड को नहीं देते हैं, नारकोटिक है वो नहीं देते हैं, बाकी सब तरह की। और प्रिस्क्रिप्शन एज ऑन डेट का है तो उसे फॉलो कर किया जाता है। अगर आप प्रिस्क्रिप्शन लेकर आते हैं तो आपको यहाँ पे सभी दवाइयाँ मिल जाएंगी, 24/7 मिल जाएंगी। अगर आपको कोई भी दवाई चाहिए, रात में चाहिए, किसी भी टाइम चाहिए, आपको कहीं नहीं मिल रही है, आप अलशिफा हॉस्पिटल आइए, बहुत बड़ी फार्मेसी है और सभी प्रकार की मेडिसिन यहाँ अवेलेबल है।
एमरजेंसी या ट्रॉमा की सिचुएशन में अल शिफा आपको एमरजेंसी वार्ड प्रोवाइड कराता है जो कि फुल्ली इक्विप्ड है और वेल ट्रेंड प्रोफेशनल स्टाफ वहां पे आपको मिलेगा। अगर आपको एम्बुलेंस चाहिए तो 30 मिनट में आपके पास एम्बुलेंस पहुंच जाएगी, उसमें भी वेल ट्रेंड प्रोफेशनल स्टाफ आपको मिलेगा जो कि ट्रॉमा के समय में आपकी हेल्प करेगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल हॉस्पिटल टूर व्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। तो अल शिफा हॉस्पिटल में डे केयर के लिए अलग से वार्ड्स बनाए हुए हैं। अगर आपको 4-5 घंटे के लिए ही अल शिफा हॉस्पिटल में किसी ट्रीटमेंट के लिए आना है कि एडमिट होना है तो उसके लिए अलग से रूम्स बनाए हुए हैं। इसमें भी जेंट्स के लिए अलग है, मेल और फीमेल वार्ड्स अलग अलग बना रखे हैं। तो अब हम आपको दिखाते हैं अल शिफा हॉस्पिटल का मेल जनरल वार्ड जहां पे बहुत सारे बेड्स अवेलेबल हैं। तो अल शिफा हॉस्पिटल में किसी को भी बेड्स को लेके समस्या नहीं होगी और साथ में एक अटेंडेंट को बैठने के लिए भी स्पेस अवेलेबल है। तो अब हम आ चुके हैं पीडियाट्रिक वार्ड में। यहाँ पर सभी प्रकार की डिलीवरीज के लिए और न्यू बॉर्न बेबीज के लिए रूम्स हैं। आपको दिखाते हैं चलकर, यहाँ पे सभी न्यू बॉर्न बेबीज को रखा जाता है। तो दोस्तों, अल शिफा हॉस्पिटल में हमें मिला एक प्यारा सा हिमालय की ओर से सेक्शन जिसमें बच्चों के से रिलेटेड सभी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो दोस्तों, अब आपको लेकर चलते हैं अल शिफा हॉस्पिटल के डीलेक्स वार्ड में। अल शिफा हॉस्पिटल के डीलेक्स वार्ड में आपको एक नर्सिंग रूम मिलता है जहाँ पे सभी नर्सेस और डॉक्टर्स ऑल टाइम अवेलेबल होते हैं। अल शिफा हॉस्पिटल का डीलेक्स रूम कैसा होता है, आइए आपको दिखाते हैं। आंखों का चेकअप कराना है तो अल शिफा हॉस्पिटल आपको आंखों के चेकअप के लिए भी फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। यहां पर आप अपनी आंखें टेस्ट करा सकते हैं और अल शिफा हॉस्पिटल में ऑप्टिकल रूम भी है। यहां पर आप सभी नज़र के और धूप के चश्मे ले सकते हैं। आपको पूरा व्यू दिखाते हैं यहाँ का। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अल शिफा हॉस्पिटल के फर्स्ट फ्लोर पे आ चुके हैं जो कि ओटी रूम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अल शिफा के ओटी रूम में आपको सभी प्रकार की मेजर सर्जरीज मिल जाएंगी और उससे रिलेटेड सभी। अल शिफा हॉस्पिटल में आपको सेमी प्राइवेट वार्ड्स, प्राइवेट वार्ड्स मिल जाएंगे। आपको व्यू दिखाते हैं एक सेमी प्राइवेट वार्ड का। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं अल शिफा हॉस्पिटल के डायलिसिस रूम में। इतने सारे बेड्स, इतनी सारी डायलिसिस मशीन अल शिफा हॉस्पिटल के डायलिसिस रूम में अवेलेबल है। साथ ही आपको बताते चलें, अल शिफा हॉस्पिटल में फ्री डायलिसिस की सेवा भी
उपलब्ध है। अगर आप ज़रूरतमंद हैं, नीडी हैं, आपको फ्री डायलिसिस चाहिए, तो आप 24 घंटे पहले रजिस्ट्रेशन कराकर अलशिफा हॉस्पिटल में फ्री डायलिसिस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम आपको लेकर चलते हैं अलशिफा हॉस्पिटल के अल्ट्रासाउंड रूम में। यहाँ सिर्फ अल्ट्रासाउंड ही नहीं बल्कि कलर ड्रॉपलर भी हो जाता है। तो अगर आपको अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनोग्राफी या कलर ड्रॉपलर चाहिए तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। अब हम आपको लेकर चलते हैं अलशिफा हॉस्पिटल के इको रूम में। यहाँ पर सभी प्रकार के इको के लिए आप आ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको एक्सरे या सीटी स्कैन कराना है तो आप अलशिफा हॉस्पिटल में आ सकते हैं। अलशिफा हॉस्पिटल में 32 स्लाइस तक सीटी स्कैन हो जाता है। तो दोस्तों, अब अलशिफा हॉस्पिटल की लेबोरेटरी में चलते हैं, यहाँ पर दिखाते हैं। मेरे हिसाब से ये जामिया नगर की सबसे बड़ी लेबोरेटरी है। यहाँ पे हर प्रकार के टेस्ट, ब्लड टेस्ट, पैथोलॉजी टेस्ट होते हैं। आपको टूर कराते हैं इस लैब का। अलशिफा हॉस्पिटल में मल्टीपल एम्बुलेंस भी अवेलेबल हैं, तो अगर आपको एम्बुलेंस चाहिए तो अलशिफा हॉस्पिटल 30 मिनट में आपके यहाँ तक एम्बुलेंस पहुँचाने का दावा करता है।